पूरब के हो या हो पश्चिम के वासी, आप संसारी हो या चाहे हो सन्यासी, आपके दिल में काबा हो या हो काशी, आप चाहे जो भी हो, आप सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण हैं एक भारतवासी। तो सभी भारतवासियों को आज मेरा सादर प्रणाम। मैं लावण्या मलिक कक्षा 9वीं सर की छात्रा और आज मैं आप सबके सामने देशभक्ति पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वह देश देश क्या है, वह देश देश क्या है जिसमें लेता हो जन्म कोई शहीद नहीं, वह खाक जवानी है जिसमें मरने मिटने की कोई उम्मीद नहीं। वह माँ बेकार सपूती है, वह माँ बेकार सपूती है जिसने कायर सूत जाया है, वह पूत पूत क्या है जिसने अपने माता का दूध लज्जाया है। सुख पाया तो इतरा जाना, दुख पाया तो घबरा जाना, ये भी क्या कोई जीवन है, पैदा होना फिर मर जाना। अरे पैदा होना है तो ऐसे हो जैसे तापते बलवान हुआ, या मरना हो तो ऐसे मर जो भगत सिंह कुर्बान हुआ। जीना है तो ठान ठान जो कुंवर सिंह ने ठानी थी, या जीवन पाकर अमर हुई जैसे झांसी की रानी थी। यदि कुछ भी तुझमें जीवन है, यदि कुछ भी तुझमें जीवन है तो बात याद कर राणा की, दिल्ली के शाह बहादुर की, ओ कानपुर के नाना की। तू बात याद कर मेरठ की, तू बात याद कर मेरठ की, मत भूल अवध की घातों को, कर 57 के दिवस याद, मत भूल गदर की बातों को। आजादी के परवाने ने जब खून से होली खेली थी, तो भारत माता की मुक्ति कराने को अपने सीने पे गोली झेली थी। तोपों पर पीठ बंधाई थी, पेड़ों पर फांसी खाई थी, पर मजाल है इन दीवानों के मुख पर रत्ती भर भी शिकन। वे भी अपने माता के दुलारे थे, वे भी घर के उजारे थे, अपनी बहनों के बंधु दुलारे थे, अपनी पत्नी के प्यारे थे, पर अपने आदर्शों के खातिर जो अपने जी में जोम गए, अपने भारत माता की मुक्ति कराने हेतु अपने शरीर को होम गए। तो याद कर कि तू भी उन्हीं का ही वंशज है, भारतवासी है, इस जननी जन्मभूमि अभी भी कुछ बलिदानों की प्यासी है। अंग्रेज गए जैसे तैसे, लेकिन अंग्रेजी अभी भी बाकी है, उनके बूट छाती पर बैठे ये वह जहनियत अभी वह बाकी है। तो याद कर जो भी शोषक है उसे ही तुझे मिटाना है। ले समझ